जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। इंदौर में 1782 पॉजिटिव सामने आए, वहीं 6 की मौत। आंकड़ा सरकारी बता रहा है कि 10,000 से ऊपर की जांच हुई है, शहर में मौत का सिलसिला जारी है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर दहेज लोभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अपनी बहू का गला घोटकर और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की के माँ बाप की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई। ऑक्सीजन और इंजेक्शन की महामारी बरकरार, हॉस्पिटल में जगह नहीं होने के कारण लोग बाहर ही टेंट लगाकर परिवार के साथ रह रहे हैं और वहीं पर अपना खाना बना रहे हैं। इंदौर शहर में 13,000 से भी ज़्यादा मरीज एक्टिव हैं। जहां इंदौर में एक और इतनी मौत के बाद भी लोग लापरवाह हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में नाकाबंदी कर बारी बारी से लोग ड्यूटी दे रहे हैं, किसी भी नए व्यक्ति को गाँव में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी ही नाकाबंदी इंदौर में भी हो तो इस बीमारी के लिए हमारा शहर भी सुरक्षा कवच बन सकता है। अगर लोग अपनी हरकतों से बाज आए तो महिला भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। खुद को नर्स बता रही युवती से जब पुलिस ने और नगर निगम के कर्मचारियों ने आईडी मांगा तो LIG चौराहे पर गुरुवार को पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस के साथ नगर निगम की टीम भी इस मौके पर लगी हुई थी। थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने बताया कि एक्टिवा पर सवार एक युवती को जब रोका और उससे बाहर घूमने की वजह पूछी तो वह खुद को एक निजी अस्पताल की नर्स बताने लगी। जब उसका आईडी मांगा तो कहने लगी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे रोकने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई। हंगामा करने लगी, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी देखिए पुलिस की हरकत, एक नर्स को रोककर उसे अपनी ड्यूटी से रोक रहे हैं और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डराने लगी, उनका वीडियो बनाने लगी। जब नगर निगम कर्मी रुपेश माली उसकी यह हरकत का वीडियो बनाने लगा तो उसके हाथ से मोबाइल छीन कर तोड़ दिया, बाद में उसका हाथ भी मोड़ दिया। जब विवाद और हंगामे की जानकारी SP राकेश गुप्ता और थाना प्रभारी विनोद दीक्षित को लगी तो वहीं मौके पर पहुँचे और युवती को समझाने लगे। बाद में महिला पुलिसकर्मियों उसको लेकर थाने पर पहुंचे और उसके खिलाफ कार्रवाई की, सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया। तो इसी कार्रवाई नजर पर आप करते रहेंगे क्या? बिल्कुल, ये देखिए जैसा इस समय इंदौर की हालात हो गई है कोविड को लेकर के, तो आदरणीय DM साहब ने धारा 144 के तहत सख्त कई चीज़ों में सख्ती करी है लॉकडाउन के संबंध में। हालांकि लॉकडाउन नहीं है, जनता कर्फ्यू है और पुलिस लगातार जनता से अनुरोध कर रही है कि अनावश्यक कार्य ना हो तो घर में ही रहें, फालतू बाहर ना निकलें। लेकिन जब इस चीज़ का असर नहीं हो रहा है तो कल जो है पुलिस ने सख्ती करी और कई लोगों के खिलाफ में, कई 200 से ऊपर लोगों के खिलाफ में 51 की कार्रवाई की गई। अब आज फिर से हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं, यदि जेन्युइन काम है, आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका जेन्युइन काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप कड़ाई से पालन कराया जा रहा है, पूरी पालतू जो मिल रहे हैं सर, यहाँ पे जो मतलब कार्रवाई हो रही है तो यहाँ पे लोग कह के बहाना कर रहे हैं आपके बचने के लिए। बहाना तो ज़्यादातर जो है मेडिकल का करते हैं कि हम दवाई लेने जा रहे थे, लेकिन जिनका जिनाइन कारण समझ में आता उनको छोड़ देते हैं। जो ऐसा लगता है कि वास्तव में जो है झूठ बोल रहे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। दो दिन से आपके जानकारी देंगे हमको, जैसा कि माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा इंदौर में पूर्णतः लॉकडाउन के लिए 188 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जो अनावश्यक रोडों पर घूम रहे हैं उसको 151 में बंद करने के भी निर्देश दिए गए। तो आज हम हमारे TI साहब राम साक्षी के साथ यहाँ चेकिंग कर रहे हैं और जो अनावश्यक घूम रहे हैं तो उनको पनिशमेंट के तौर पर उधर बैठक करवाई जा रही है ताकि भविष्य में वो लोग अनावश्यक घर से ना निकले, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले। और इसके संबंध में राम सर आपसे ज़्यादा जानकारी। सर किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो आपसे क्या बातें करते हैं, क्या कहते हैं? मोस्टली लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो पूछताछ में तो मोस्टली ये बता रहे हैं हॉस्पिटल से जा रहे हैं या आ रहे हैं या किसी पेशेंट को खाना दे के आ रहे हैं। और पुलिस को इतना एक्सपीरियंस तो होता ही है कि तफरी करने वाले जो शाम को निकलते हैं, बहानेबाज लोग आते हैं तो उनको पकड़ लेती है पुलिस, इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकते वो।
तो उनसे इंस्टेंटली हम लोग यहाँ पे उठक बैठक है या उसकी गाड़ी की हवा निकाल देते हैं, अगर बस यही छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर।